नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र सबसे खराब दौर में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की। कांग्रेस कार्यकारिणी में राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोकतंत्र अपने सबसे खराब दौर में से गुजर रहा है। यह भी अटकलें हैं कि आने वाले समय में विधिवत रूप से अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाएगी। ऐसा पहली बार है कि राहुल गांधी ने समिति की बैठक की अध्यक्षता की है जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। 46 वर्षीय राहुल को जनवरी 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में उपाध्यक्ष चुना गया था। बैठक में राहुल ने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता का नशा हो गया है, असहमति रखने वाले सभी लोगों को वह चुप करा देना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा कि शीतकालीन सत्र में सरकार की नाकामियों को उजागर करें। 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व समिति की बैठक होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद सत्र में कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रही है, जिनमें पठानकोट हमले की कवरेज को लेकर एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ एक दिवसीय प्रतिबंध के मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय भी शामिल है। सर्जिकल स्ट्राइक, सिमी के 8 आतंकवादियों के एक मुठभेड़ में मारे जाने, 3 तलाक और समान नागरिक संहिता के मुद्दों को भी कांग्रेस द्वारा उठाए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव काफी लंबे समय से अटके पड़े हैं और पार्टी ने 31 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि यूपी चुनाव से पहले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पीके के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी प्रदेश में 3 महीने तक प्रचार करें और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सक्रियता से चुनाव में भागीदारी करें। इसके उलट यह भी अटकलें हैं कि प्रशांत ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से रविवार को गठबंधन को लेकर मुलाकात की। इस गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल, लालू की राजद और नीतीश की पार्टी जदयू एवं कुछ अन्य पार्टियों को भी शामिल किया जा सकता है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक ग्रेवाल के परिजनों को केजरीवाल द्वारा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर अदालत की रोक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे भारत यात्रा पर, मोदी ने ब्रिटेन जाने वाले छात्रों के लिए वीजा नियम उदार बनाने को कहा। यूपी चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर बोले अखिलेश, दोनों पार्टियां तैयार हैं तो फिर कौन रोक सकता है। एनडीटीवी इंडिया प्रतिबंध के खिलाफ पहुंचा उच्चतम न्यायालय। हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट देने पर ट्रंप ने साधा एफबीआई पर निशाना। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।